छत्तीसगढ़ पुलिस ने 4 साल पहले कार्यक्रम शुरू किया था जिसका नाम था राहगिरी। इस कार्यक्रम का प्रमुख उद्देश्य लोगों का मनोरंजन करना और लोगों को तनाव मुक्त करना था, लेकिन यही राहगिरी कार्यक्रम एक 28 वर्षीय युवती के लिए तनाव का कारण बन गया और शायद उम्र भर का बोझ भी। बलौदाबाजार जिले में एक ऐसी घटना सामने आई जो यह बताती है कि किस तरह एक थाना प्रभारी ने 28 वर्षीय युवती को अपनी हवस का शिकार बनाया और शादी का झांसा देकर 4 साल तक युवती से शारीरिक शोषण करता रहा। युवती का आरोप है कि वर्तमान में भाटापारा ग्रामीण थाने में पदस्थ थाना प्रभारी राम अवतार ध्रुव ने उसके साथ शादी का झांसा देकर 4 साल तक दुष्कर्म किया, फिर उसे वैसी हालत में छोड़कर चला गया। युवती ने बताया कि वह पुलिस के द्वारा चलाए जा रहे कार्यक्रम राहगिरी में तनाव मुक्त करने गई थी, लेकिन उसे नहीं पता था यही कार्यक्रम उसके लिए जीवन भर का चिंता का कारण बन जाएगी। आरोप लगाने वाली युवती ने बताया कि जब थाना प्रभारी ने राहगिरी कार्यक्रम में मुझसे मुलाकात किया, उसके बाद फोन से पहले संपर्क बनाया और शादीशुदा नहीं हूं करके अपने साथ रखने का झांसा देकर लगातार 4 साल तक दुष्कर्म करता रहा। मैं थाना प्रभारी राम अवतार ध्रुव के खिलाफ शिकायत की हूँ कि वह मुझे शादी का झांसा देके 4 साल से शारीरिक संबंध बना रहा है और डरा धमका के अपने पास रखता है। मैं जाना भी चाहती हूँ तो भी जा नहीं पा रही हूँ, हमेशा मेरे को डराता है, अगर मेरे को छोड़ के जाएगी तो मैं पुलिस वाला हूँ, कुछ भी कर दूंगा करके मुझे हमेशा डराता है। वो ऑलरेडी शादीशुदा है, फिर आप संबंध कैसे बना, कैसे मुलाकात हुई? मुझे झूठ बोला कि मैं शादी नहीं हुआ है मेरा, मैं आपसे ही शादी करूंगा और आपके ही साथ जीवन भर साथ रहूंगा और साथ दूंगा, जिसके चलते मैं 2 बार गर्भवती भी हो चुकी हूं। मैं बच्चे को रखना भी चाहती थी, लेकिन वह मुझे बदनामी का धोस दे के नहीं अभी मत रखो, नाम खराब होगा, शादी के बाद रखना, यह कह के मुझे बार बार धमका डरा के गर्भपात कराया। ये पहली मुलाकात कैसे हुई, कैसे मतलब इतना आगे बढ़ गया आप लोगों का संबंध? बलौदा बाजार में वह राहगिरी कराता था, रोड शो वाला, जिसमें मेरा और राम अवतार ध्रुव का मुलाकात हुआ। ये एक शिकायत आई है जो वर्तमान में बाटापारा ग्रामीण प्रभारी है राम अवतार ध्रुव, उनके खिलाफ एक निखार ध्रुव नाम से एक महिला है जो उन्होंने कई आरोप लगाए हैं, जिसकी शिकायत अभी DGP ऑफिस में भी हुआ है और DGP ऑफिस से इस संबंध में रिपोर्ट मांगा गया है और वर्तमान में उसके जांच चल रही है। एडिशनल SP और इनकी जांच की मॉनिटरिंग कर रहे हैं और महिला सेल द्वारा इसका जांच चल रही है। बहुत शीघ्र ही इसमें रिपोर्ट जो है DG सर के ऑफिस भेजा जाएगा और जो कार्रवाई है उस पर किया जाएगा। इसमें ऐसी कोई बात नहीं है, वो महिला जो पहले भी जो कंप्लेंट किए हैं यहाँ पर भी आके मेरे ऑफिस में भी किए हैं, लेकिन उनको बोला गया है कि ओरल कंप्लेंट नहीं, लिखित में देना है तभी हम कार्रवाई कर पाएंगे। और लेकिन उनका मनसा था कि उनके ओरल कंप्लेंट पे एक्शन लिया जाए, लेकिन वो कानूनी रूप से अच्छी सही नहीं है, इसलिए उनको लिखित में देने के लिए बोला गया है, तो कुछ देरी हुआ है। उसके बाद भी दोनों पक्ष में कुछ समझौता हो रहा है, कुछ दिन के लिए वो जांच टलने के लिए भी बात हुई थी, तो इसलिए उनको मौका दिया गया है, लेकिन ऐसा कोई बात नहीं है जो जांच दबाने की या ऐसी कोई, और जैसे तथ्य सामने आते हैं उसी के हिसाब से कार्रवाई करेंगे, चाहे वो पुलिस कर्मचारी हो।